हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, सभी को मेरा नमस्कार। तो देखिए, गोवर्धन पूजा के बाद गोवर्धन जी का विसर्जन कब करना है, गोवर्धन जिस गोबर से हम बनाते हैं उस गोबर का क्या करना है, किस तरीके से विसर्जन करना है। तो देखिए, पूजा विधि मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो सबसे पहले हम गणेश जी को हटाएंगे, गणेश जी को स्थापित किया था, तो अगर आपके विग्रह हैं तो आप उठा के मंदिर में रख दें। और इसके बाद देखिए, हमने जो दक्षिणा रखी थी, दक्षिणा उठाएंगे, दक्षिणा को आप किसी को भी दे सकते हैं या मंदिर भेज सकते हैं। इसके बाद देखिए, मैंने वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाया था, फूल कलावा मैं ले लूँगी, और जो मैंने खील बतासे चढ़ाए थे वो भी भोग मैं सब इकट्ठा कर लूँगी। और जो गोवर्धन पूजा विधि में मैंने आपको बताया था कि खील बतासे का भोग लगता है और कोई भी मीठा आप लगा दीजिए, तो पूजा होने के बाद रात को ही मीठा तो उठा लिया जाता है और खील बतासे घर के जितने भी लोग होते हैं उनमें बाँट दिया जाता है। इसके बाद बाकी गोवर्धन जी जो उठाने होती हैं वो सुबह उठाने होती हैं, रात को पूजा होती है, रात को नहीं उठाए जाते, सुबह हम गोवर्धन जी को हटाते हैं। तो देखिए, अब मैं जितने भी मैंने फूल चढ़ाए थे, आपने माला चढ़ाई हो, वो सब आप उठा लीजिए। दीपक बुझा हुआ होता है, उसको भी आप उठा लीजिए। इस तरीके से मैंने पूरा फूल वस्त्र रूपी कलावा सब इकट्ठे कर लिए। आप इनका जल में विसर्जन कर सकती हैं। और देखिए, इस तरीके से जो पीली सीख लगाई जाती हैं पूजा के लिए रुई में, वो पीली सीखों का भी आप विसर्जन कर सकती हैं फूल और कलावे के साथ। तो इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक तरफ आपको बताया था कि कुत्ता है और एक तरफ ग्वारिन। तो देखिए, इनको बहुत से लोग तो घर के बाहर साइड में रख देते हैं, और बहुत से लोग जैसे तालाब कुआं इस तरीके से रखे आते हैं। अब हम हटाएंगे गोवर्धन जी, तो सबसे पहले हम हाथ जोड़ेंगे और सबसे पहले हम चरणों से शुरुआत करेंगे और गोवर्धन महाराज से कहेंगे कि आप इस तरह हर साल हमारे यहाँ आइएगा। इस तरीके से हाथ जोड़ने के बाद ही हम उन्हें हटाएंगे। तो इस तरीके से गोवर्धन जी का जो भी गोबर है हम उसे इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए, जो गोवर्धन जी को हटाया जाता है, जैसे आज हमने पूजा की है रात को, तो गोवर्धन जी को आज नहीं हटाया जाएगा, दूसरे दिन सुबह उठा जाएगा। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर हटाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि घर में जो पुरुष होते हैं उनके उठने से पहले गोवर्धन जी महाराज को हटा देना चाहिए। तो अब गोवर्धन महाराज जी को कोशिश कीजिएगा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर हटा दें। इस तरीके से हम गोवर्धन जी महाराज को हटाएंगे। और गोवर्धन जी महाराज को की पूजा घर की महिलाएं और सभी लोग करते हैं, लेकिन जब हटाने की जो विधि होती है वो केवल महिलाएं ही करती हैं। तो इस तरीके से हम गोबर सारा इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से गोवर्धन महाराज जी का, और पूजा के सामान का हम विसर्जन कर देंगे। तो देखिए, ये जो गोवर्धन जी का गोबर होता है इसके हम कंडे बनाते हैं। देखिए, इनके जो कंडे बनाते हैं वो कुछ अलग होती हैं। देखिए, जैसे ये बन गया, ऐसे तो सरल बनाते हैं, लेकिन इस तरीके से गोवर्धन के जितने भी आप कंडे बनाएंगे उनमें कोई ना कोई निशान बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने एक निशान बनाया है, आप कुछ ना कुछ बना दें, सिंपल नहीं बनाती हैं, मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाइन बना के या गोल चक्र सा बना के आप ऐसे बना सकते हैं। मैं एक ही तरीके से बना रही हूँ। और आपको गोवर्धन के जो कंडे बनाने हैं वो संख्या 5, 7, 11, 21 जितने बड़े आपने बनाए हों, बनाने या तो 5 हैं या 7 हैं या 21, 11 है। देखिए, अब ये छोटी छोटी गोवर्धन के गोबर की 2 पिंडी मैंने रख ली हैं। इसके बाद अब मैं यहाँ से सुबह साफ कर लूँगी, सुबह सब उठ के। लेकिन आपने जो कंडे बनाए उनमें पहले आपको थोड़ी थोड़ी सी हल्दी लगानी है। कहा जाता है कि पूजा का गोवर्धन महाराज का होता है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी हल्दी लगाने पड़ती है। इसके बाद हम पानी लेंगे जहाँ पर हमने गोवर्धन महाराज बनाए हैं, अब उस जगह को हम हाथ से साफ कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से अच्छे से हम हाथ से साफ कर लेंगे, क्योंकि जहाँ गोवर्धन महाराज होते हैं वहीं गोवर्धन महाराज हटा के जब चौक बनाते हैं उस जगह, तो वहीं हमारी दौज की कथा सुनी जाती है। तो यहाँ सबसे पहले आप चौक बना लीजिए, कोई छोटा सा चौक बना लीजिए। चौक नहीं आता तो आप स्वास्तिक अष्टक कुछ भी बना सकते हैं। इसके बाद जो पिंडी हमने रखी है वो हम रख देंगे, और उसके बाद यहीं बैठकर हाथ जोड़कर दूसरे दिन दौज वाले दिन हम कथा सुनेंगे। तो किस तरीके से विसर्जन करना है वो मैंने आपको बता दिया है, कमेंट बॉक्स में होता है। वीडियो कैसी लगी।